हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार लेसन 6। फ्रेंड्स, आज का जो अलंकार है हमारा, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके तार सप्तक के स्वर है ना, बहुत आराम से लगने लगेंगे। आप यूं कह लीजिए, आपकी जो पिच है, जो तार सप्तक के स्वर है, बहुत आराम से लगने लगेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है, और जब भी हम लाइव आते हैं तो कहते हैं कि मैम, मेरा तार सप्तक का स्वर नहीं लग रहा है, क्या करें, कौन सा प्रैक्टिस करें, कौन सा रियाज करें। तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि स्वर विस्तार करें, पहले तो मॉर्निंग वोकल रियाज मैंने जो बताया है वो करें, उसके बाद कुछ अलंकार होते हैं जो हाई ऑक्टेव में जाते हैं, यानी कि तार सप्तक में जाते हैं। अगर आप उन अलंकारों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी रेंज 100% बढ़ेगी। तो वो कहते हैं मैम, अलंकार ही नहीं पता है कैसे करें। उन्हीं सभी लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये अलंकार लेकर के आई हूँ। अगर आपकी रेंज कम है तो इस अलंकार को करने से आपकी रेंज बढ़ जाएगी, यानी कि तार सप्तक के स्वर भी आराम से लगने लगेंगे। अगर आप इस अलंकार को देखेंगे ना, तो तार सप्तक के सा से लेकर के धा तक जाता है, सा रे गा मा पा धा, धा तक जाता है। और जो नॉर्मली तार सप्तक के स्वर होते हैं वो पा तक लग जाए, समझ लीजिए कि एक अच्छा रेंज है। किसी भी सिंगर का बहुत अच्छा रेंज होता है जब वो पा तक जाता है, लेकिन इस अलंकार में हम धा तक भी लेके जा रहे हैं लोगों को। तो अगर आप इस अलंकार को करते हैं तो आपकी रेंज 100% बढ़ेगी। बस आपको एक काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, पेशेंस के साथ मेहनत करना होगा। कम से कम हफ्ते दो हफ्ते इस अलंकार को करेंगे ना, अपने आप रेंज अच्छी हो जाएगी। आपको खुद लगने लगेगा कि यार, इस अलंकार को करने के बाद मेरी रेंज अच्छी हो गई है। आपको करना क्या होगा, वैसे एज यूजुअल जैसे कि हम हमेशा कराते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए और पहले नोट करिए कि अलंकार क्या है। बिना लिखे आप कर नहीं पाएंगे, हम अगर हम गा के भी सुना देंगे ना तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। जितने भी मेरे पुराने व्यूअर हैं वो तो नोट करते ही करते हैं, अगर आप नए हैं तो प्लीज 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 आप भी लिखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर आपका भी रेंज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। तो फ्रेंड्स, लिखिए लेसन 6। अगर आप लेसन 1 से लेकर 5 तक नहीं लिखे हैं तो प्लीज उसको भी लिख लीजिएगा, जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेसन 6 अलंकार में लिखा है पहला अलंकार। पहला अलंकार हमारा क्रम जो है ये है, सारे गारे सारे गारे, मतलब इस फ्रेज को दो बार करना है। तो सारे गारे सारे गारे सारे गामा गारे, ये एक फ्रेज हो गया, टोटल मिला के एक फ्रेज। रेगा मागा रेगा मागा, ठीक है, रेगा मापा मागा, गामा पामा गामा पामा, दो दो बार गामा पाधा पामा, मापा धापा मापा धापा मापा धानी धापा, पाधा नीधा पाधा नीधा पाधा नीसा नीधा, धानी सानी धानी सारे सानी। अब देखिए यहां से रे तार सप्तक में गया, धानी सारे सानी, फिर नीसा रेसा दो बार, फिर नीसा रेगा रेसा, नीसा रेगा रेसा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए नीचे लिख दिया, तो ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद सारे गारे सारे गारे सारे गामा गरे, आप ध्यान से देखिए ये सब तार सप्तक में है, गामा मा तक गया ना, अब यहाँ रेगा मागा रेगा मापा मागा पा तक गया, गामा पामा गामा पाधा पामा यहाँ यहाँ तक गया। ये तो हो गया सिर्फ आरोह, अब इसका अवरोह भी लिखिए, अवरोह है आपका। अब देखिए आरोह में जैसे हम धा तक गए थे तार सप्तक के धा तक, वैसे अवरोह में जब नीचे आएंगे ना तो मंद्र सप्तक के धा तक जाएंगे। तो समझ रहे हैं, धा से धा का टारगेट है, ये पूरा रेंज जो है एकदम परफेक्ट कर देगा आपका ये अलंकार। एक ही अलंकार आपका रेंज बढ़ाने के लिए काफी है। अगर आप इसको लग कर दो महीने कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा, आपका रेंज जो है 100% बढ़ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत आएगी नहीं, ना ही कोई संदेह है इसमें, ठीक है। तो आरोह है मागा रेगा मागा रे सारेगा, ठीक है, दो बार मागा रेगा होगा, फिर गारे सानी गारे सारे गारे सानी सारे, रे सानी सा रे सानी धानी सा, सानी धानी सानी धा पधानी, निधा पाधा निधा पामा पाधा, धापा मापा धापा मापा धापा धापा मागा मापा, पामा गामा पामा गरे गामा, मागा रेगा मागा रेगा मागा रे सारेगा, गरे सारे गरे सारे गरे सानी सारे, रे सानी सा रे सानी सा रे सानी धानी सा, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। देखिए जब हम आपको गाकर बताएंगे ना तो वो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने लिखवाया, इसीलिए हमने लिखवा दिया, ताकि जब हम आप गाएंगे तो आपके सामने कॉपी में ये पड़ा रहेगा, आप उसको देखते रहोगे तो अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। देखिए ये सरगम वही कर पाएगा या मेरे अलंकार जो भी मैं सिखा रही हूं
वही सीख पाएगा जो अच्छे से मेहनत करना जानता है, पेशेंस रख के मेहनत करता है और संगीत में आगे बढ़ना चाहता है, वही करेगा। नहीं तो भाई सब ऐसे ही हैं, अभी देखा वीडियो हटाओ यार, पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हटाओ दूसरा देखते हैं, फिर वही चीज देखेंगे जो फायदेमंद नहीं रहेगा, जो फायदेमंद रहेगा वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारे व्यूअर है रेगुलर, उनको पता है, अच्छी तरीके से देखिएगा। और एक बात बता दूं, अगर आप नए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अलंकार नहीं देखे होंगे तो छठा अलंकार आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस अलंकार में मैं आज एडवांस लेवल लेके चल रही हूँ, आप सभी लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ। वैसे तो हम हर एक लेसन में छह अलंकार सिखाते हैं, तो यहाँ पर हम छह अलंकार सिखाएंगे बट लिखवाएंगे सिर्फ एक अलंकार। जैसे आरोह अवरोह लिखवा दिया पहले अलंकार का, अब आपको क्या करना है कि दूसरा अलंकार क्या हो जाएगा, पहले अलंकार पे बेस्ड है, यही लेकर है कि अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अलंकार सीखे होंगे तो ये आराम से कर लेंगे। उसमें दूसरे में क्या होगा, सारे गामा जुड़ जाएगा, जैसे सारे ग रे सारे ग रे सारे गामा ग रे, ये पहला है ना, फिर उसमें जुड़ जाएगा सारे गामा, ठीक, तो सारे ग रे सारे ग रे सारे गामा ग रे सारे गामा, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरे में जो आएगा सारे ग रे सारे ग रे सारे गामा ग रे सारे गामा पा, ठीक है, चौथे में इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये जो क्रम है मेरे पिछले अलंकार पे बेस्ड है, तो अच्छी तरीके से देखिए, लिखिए और आप खुद से बनाइएगा, हम यहाँ करके बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कि अरे यार हमें समझ में नहीं आया, दूसरा तीसरा चौथा हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सारे अलंकार को अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए और चलिए अब इसको हम बताते हैं कैसे गाएंगे। इस अलंकार को करने के लिए हमने जो स्केल लिया है वो हमारा है चौथा गारा। आप किसी भी स्केल से कर सकते हैं, जो आपका स्केल है वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देखिएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, इसीलिए हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं। पहले हम धीरे धीरे प्ले करके दिखाएंगे कैसे प्ले करना है, फिंगर नंबर कैसे रखना है, उसके बाद स्पीड में प्ले करेंगे, फिर आकार में प्ले करेंगे। देखिए एक अलंकार करने के पीछे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि आपका सुर पक्का होता है, दूसरा कि आपका रेंज अच्छी हो जाएगी, तीसरा जब आप प्ले करके करते हो ना तो हारमोनियम बजाने की जो क्षमता होती है ना, जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, आकार करने लायक आपका गला बन जाता है। तो बहुत फायदे होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अलंकार की खूब प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतने अलंकार इकट्ठा करो और खूब प्रैक्टिस करो, दो दो तीन तीन चार चार घंटे बैठ बैठ करके रोज रोज प्रैक्टिस करो, देखिए कैसे नहीं बनता है गला। हम लोग क्या करते हो ना, मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से हमेशा शिकायतें होती है कि मैम रेंज नहीं बढ़ रहा है, गले में आकार नहीं आ रहा है, गमक खट्टा बोल की हरकतें ये नहीं आ रहा है, हमने सब कुछ बता रखा है, बस आपको मेहनत करनी है, कॉपी बना लेनी है सिंगिंग की और एक एक अलंकार की एक एक पैटर्न की खूब प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से सिखाते हैं। चौथे नंबर का जो फिंगर नंबर होगा वही लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा, पहले स्लो स्लो बनाएंगे। सारे ग रे सारे ग रे सारे ग मा ग रे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्रम बैठाइएगा। तो दूसरा है रे ग मा ग रे ग मा ग रे ग मा प मा ग ग मा प मा ग मा प ग मा प पधा नीधा पधा।
रे गा रे सा रे ग रे सा रे ग रे सा नी सा रे रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी रे सा। हमने बताया ना कि यह धा से लेकर के इस धा तक जाएगा ऊपर, तो बहुत ही बेहतर आपके लिए हम अलंकार लेके आए हैं और बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको देखिएगा। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा जब हम करेंगे, हमने बताया है कि दूसरा लिखवाया नहीं है लेकिन आप तुरंत लिख सकते हैं या तो बिना लिखे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि हमारा जो पहला अलंकार था पहला वाला सारे गरे, सारे गरे, सारे गरे, ये था ना। अब इसके बाद हम यही में जोड़ देंगे सारे गा, सारे गा, ये थी सारे गा दूसरे में जोड़ देंगे तो पूरा अलंकार जो बनेगा वो ये बनेगा सारे गरे सारे गरे सारे गामा गरे सारे गामा। अब दूसरा रे गामा गरे गामा गरे गामा पा मा गरे गामा पा, ठीक है। चार चार अब जुड़ता जाएगा सारे गामा रे गामा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा, जब तक सारे आ जाएगा तब तक ये जुड़ता रहेगा चार चार अब। बहुत सिंपल है, हम बार बार यही कह रहे हैं अगर आप पहले से लेकर पांचवें अलंकार में कोई भी अलंकार देख लेंगे ना तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सारे गरे सारे गरे सारे गामा गरे सारे गामा रे गामा गरे गामा गरे गामा पामा रे गामा पागामा पामा गामा पामा गामा पाधा पामा गामा पाधा मा पाधा पामा पाधा पामा पाधा नी धा पामा पाधा नी पाधा नी धा पाधा नी धा पाधा नी सा नी धा पाधा नी सा, है ना। सिंपल वापस सा नी धा। अब क्या है कि पहला अलंकार जो था वो धा तक गया था लेकिन अब हमारा दूसरा अलंकार सा से वापस आ जाएगा क्योंकि उसका क्रम जो बना है ना सा से सा तक का बना है। तो फायदा ये है कि पहले अलंकार में आपकी रेंज बढ़ेगी, दूसरा जो होगा आपके आकार करने में बहुत मदद करेगा, इसलिए सारा वन से लेकर सिक्स पूरा अलंकार करना जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा दूसरा वापस सा नी धा नी, दूसरे का अवरोह सा नी धा नी सा नी धा नी सा नी धा पा धा नी सा नी धा पा, है ना। दूसरा अवरोह करते तो सा नी धा नी सा नी धा नी सा नी धा पा धा नी, यही तक जाता है लेकिन चार जोड़ रहे तो सा नी धा पा हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा नी धा पा धा नी धा पा धा नी धा पा मा नी धा पा धा नी धा पा धा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा धा पा मा पा धा पा मा पा धा पा मा गा मा पा धा पा मा गा पा मा गा मा पा मा गा मा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे मा गा रे गा मा गा रे गा मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा, हो गया ये दूसरा। अब तीसरा देखिए, अब सारे गा मा पा जुड़ जाएगा तीसरे में, बहुत सिंपल है। कैसे सारे गरे सारे गरे सारे गा मा गरे सारे गा मा पा, है ना। दूसरा रे गा मा गरे गा मा गरे गा मा पा मा गरे गा मा पा धा। तीसरा गा मा पा मा गा मा पा मा गा मा पा धा मा मा गा मा पा धा नी मा पा धा पा मा पा धा पा मा पा धा नी धा पा मा पा धा नी सा सा नी धा नी सा नी धा नी सा नी धा पा धा नी सा नी धा पा मा नी धा पा धा नी धा पा धा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा गा धा पा मा पा धा पा मा पा धा पा मा गा मा पा धा पा मा गा रे पा मा गा मा पा मा गा मा पा मा गा रे गा पा मा गा मा पा मा गा मा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे सा। अगली हार मैं आपको आकार करना भी सिखा देती हूँ। देखिए आकार जो होता है हमेशा स्लो स्लो करने से ही आता है। तुरंत आप अलंकार को तुरंत आप चाहें कि आपको आकार स्पीड में आ जाए, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट है जो की पेशेंस हो जाते हैं, इधर इतना उतावला अपन होता है, सोचते हैं कि आकार जल्दी से आ जाए, नहीं आता है भाई। आकार करने के लिए थोड़ा स्लो चाहिए, पेशेंस चाहिए। स्लो स्लो करोगे तो फास्ट फास्ट भी अलंकार आने लगेगा। तो स्लो करने के लिए कैसे करेंगे और आकार करने का तरीका बताया कि पहले आकार में हा लगा करके आकार करेंगे। कैसे करेंगे सारे गरे सारे गरे सारे गामा गरे सारे गामा पा, ये क्रम था ना। अब इसको आकार में करेंगे तो कैसे होगा।
उनका स्पेस बन जाएगा गले में, तब जाकर के आकार फास्ट करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आकार करने के लिए पहले स्लो प्रैक्टिस करना होता है भैया, हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी आप माथा पटक लो, सोचो कि बहुत जल्दी जल्दी कर ले आकार आ जाए तो बस निराशा हाथ लगेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरी बात मानिए, स्लो प्रैक्टिस करिए आकार के लिए। सुनरगम आप फास्ट कर सकते हैं लेकिन आकार के लिए थोड़ा सा स्लो। ठीक है, तो चलिए तीसरा हो गया। अब चौथे में सारेगा, तीसरे में हमारा सारेगामा पा जुड़ा था, अब चौथे में सारेगामा पा जुड़ेगा इसी अलंकार के साथ, तो कैसे होगा? सारे गए सारे गए सारे गामा गए सारे गामा पा धा रे गामा रे गामा गए गामा गए गामा पा मा गए गामा पा धा नी गामा पा मा गामा पा मा गामा पा धा पा मा गामा पा धा नी सा। अब सानी धानी सानी धानी सानी धा पा धा नी सानी धा पा मा गानी धा पा धा नी धा पा धा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा गए रे धा पा मा पा धा मा मा पा धा पा मा गामा पा धा पा मा गए सा। ये हो गया हमारा चौथा। अब पांचवे में सारे गांव पाधा था, तो अब पांचवे में सारे गांव पाधा नहीं जुड़ जाएगा, तो सारे गए सारे गा मा गए सारे गा मा पा धा नी रे गा मा गए गा मा गए गा मा पा मा गए गा मा पा धा नी सा। सा नी धा नी सा नी धा नी सा नी धा पा धा नी सा नी धा पा मा गए नी धा पा धा नी धा पा धा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा गए सा। लास्ट सारे गए सारे गामा गए सारे गामा पा धा नी सा। सा नी धा नी सा नी धा नी सा नी धा पा धा नी सा नी धा पा मा गए सा। ठीक है, तो आपको मैंने 6 अलंकार आज के लेसन में बता दिया। तो जैसे कि मैं हर एक लेसन में आपको 6-6 अलंकार सिखाती थी, इस लेसन में भी 6 अलंकार सिखाए हैं, तो बहुत ही अच्छे से करेगा। चलिए अब मैं एक साथ पूरा करके सुना देती हूँ विद स्पीड। अभी तक जो हमने बताया विदाउट स्पीड था, इस तरीके से आपको कम से कम 2 हफ्ते प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, 2 हफ्ते आराम आराम से करेंगे, उसके बाद जब ये अलंकार करेंगे ना तो इसकी जो मिठास है, इसकी जो आउटपुट है ना, वो बहुत अच्छे से आ जाएगा आपके गले में। जब आप 2 हफ्ते बाद प्रैक्टिस करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा कैसे देख लीजिए, ऐसे आना चाहिए, नहीं आना तो और मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू से पहले से लेकर 6 तक हम बता देंगे। सारे गए सारे गा मा गए रे गा मा गए गा मा गए गा मा पा मा गा गा मा पा मा गा मा पा मा गा मा पा धा पा मा मा पा धा मा मा पा धा मा मा पा धा नी धा पा धा नी धा पा धा नी धा पा धा नी सा नी धा गा नी सा नी धा नी सा नी धा नी सा रे सा नी नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे गा रे सा सारे गए रे सारे गए रे सारे गा मा गए रे रे गा मा गए रे गा मा गए रे गा मा पा मा गा मा मा पा मा गा मा पा मा गा मा पा धा मा 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 गए रे गा मा गए रे गा मा गए रे सा नी गा एक बार
आप नोटिस किया कि अलंकार को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, ब्रीथिंग पावर। अगर आपकी ब्रीथिंग पावर अच्छी है ना, तो आप अलंकार को स्पीड में कर पाएंगे, नहीं तो इतना लंबा अलंकार है ना, सांस टूट जाएगी। और हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग वोकल रियाज करिए, मॉर्निंग वोकल रियाज से आपका जो ब्रीथिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर पुराने हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कॉमेंट तो कर ही देंगे, आई एम श्योर। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।